प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कयामपुर अध्यक्ष जगदीश धनगर के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कयामपुर द्वारा विभिन्न समस्या और मांगों को लेकर किसान आक्रोश पदयात्रा निकाली गई। ब्लॉक कांग्रेस कयामपुर के कचनारा में किसान आक्रोश पदयात्रा का शुभारंभ हुआ, जो ब्लॉक कयामपुर के कई गांवों से होकर नाटाराम में समापन हुआ। इस पदयात्रा में कांग्रेसियों द्वारा महंगाई, भ्रष्टाचार, खाद, पीला मुश्किल से खराब हुई फसलों को मुआवजा, बेरोजगारी आदि कई मांगों को लेकर हाथ में तथ्या लेकर पदयात्रा में नारेबाजी कर किसान आक्रोश पदयात्रा निकाली गई। प्रदेश में किसान जन आक्रोश रैली निकल रही है, क्योंकि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा है कि महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। किसान को अभी फसल पिलाने का समय, बोनी का समय, किसानों को न तो DAP, यूरिया, पोटास, राखोड़ या कुछ भी नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो भी कालाबाजारी में मिल रहा है डबल गुने दाम में। और महंगाई पेट्रोल डीजल आज देख लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 60-65 रुपये हुआ करता था, गैस की टंकी 400 रुपये हुआ करती थी, आज 100 रुपये से ऊपर तो पेट्रोल डीजल निकल चुका है, 1000 रुपये टंकी निकल चुकी है गैस की, तो चारों तरफ। और हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, सरकार ने कोई रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध कराए। हमारे पढ़े लिखे नौजवान, गरीब मजदूर, जिनको रोजगार के लिए उधर उधर भटकना पड़ रहा है, उनके पास काम नहीं है, ना इस क्षेत्र में कोई उद्योग धंधा व्यवसाय जैसी कोई आगे भविष्य में भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई। इन सारी चीज़ों को लेकर कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकल रही है और गाँव गाँव जा रही है और गाँव में मतदाताओं को जन जागृति कर रही है कि आने वाले समय में आपको इस देश में अगर शांति चाहिए, इस देश में विकास चाहिए, किसानों की खुशहाली चाहिए, तो कांग्रेस को लाइए और कमलनाथ जी को वापस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। किसान देखो, किसानों का आंदोलन तो वैसे जायज था, ये काफी इतने समय से इन्होंने कम से कम 1000 किसानों की मृत्यु के घाट उतार दिए। आज उन लोगों को शहादत, 1000 किसानों की शहादत हो गई और उसके बाद मोदी सरकार जागी है, जबकि ये तीनों काले कानून का शुरू दिन से किसान विरोध कर रहे थे, पूरे देश के किसान वहां जमे हुए थे। तो वैसे किसानों की सरकार कहने वाली होती है तो कम से कम उसी समय इन तीनों काले कानून को वापस लेना चाहिए, पर यह तो क्या है, सरकार खाली राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पहले कानून लागू करती है और फिर उन कानून को वापस लेती है। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट।